अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला रेगिस्तान है। धरती का 90% पानी यहीं पर है, लेकिन यह पानी बर्फ के रूप में। अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर 320 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से हवा चलती है। धरती पे केवल अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर बिल्कुल साफ नहीं पाए जाते। ये जगह काफी ठंडा होने के बावजूद अंटार्कटिका में 1000 से ज्यादा अलग अलग प्रजाति यहां पर पाए जाते हैं, और वह प्रजाति सिर्फ कवक के रूप में होते हैं। अगर आप कभी घूमने अंटार्कटिका में जाएंगे तो आपको कहीं भी पोलर बियर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पोलर बियर देखना है तो आपको एंटार्कटिक या कनाडा में जाना पड़ेगा। अंटार्कटिका चारों ओर से बर्फ से घिरा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं यहाँ पर 22 मार्च से 23 सितंबर तक सूर्य उदय नहीं होता, और यहाँ 24 सितंबर से 21 मार्च के बीच में सूर्यास्त नहीं होता है। आपने कभी ना कभी तो पेंगुइन का नाम सुना ही होगा, वो अंटार्कटिका की फेमस फ्लाई बर्ड है। यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। यहाँ पर एक मछली है जो की बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये मछली और कोई नहीं, इसका नाम है क्रिल। अंटार्कटिका दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया लगभग 14 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। अंटार्कटिका में एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जिसका नाम एमसी मुर्डो स्टेशन है।